लोगों की आवाज उठाती रही है और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोगों के मसलों को उभारती रही है। एक बार फिर पैंथर्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे। यह रिट पिटीशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में लगी और हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम बहाल होना चाहिए और 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए। यह पैंथर्स पार्टी की बहुत बड़ी जीत है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाने के हक में नहीं है जम्मू कश्मीर में, और ऐसा भी माना जा रहा था कि शायद 2029 तक ये लोग चुनाव नहीं करवाएंगे, इसलिए पैंथर्स पार्टी को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस की बेंच ने जो फैसला दिया है वो तमाम जम्मू कश्मीर के लोग आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमने सुप्रीम कोर्ट में यह गुहार लगाई थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। दे आर बींग डिप्राइव्ड ऑफ देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। 2018 में पिछली असेंबली भंग हुई और 5 साल से जम्मू कश्मीर में बाबू राज चलाया जा रहा था। बाहर के लाए हुए अधिकारियों के हवाले जम्मू कश्मीर को किया हुआ था। यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से बाबू लोगों को लाकर जम्मू कश्मीर का निजाम उनके हवाले किया हुआ था। और ऐसे बाबू लोग जिनको जम्मू कश्मीर की जानकारी नहीं थी और जिनका लोगों के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं था, लोग परेशान थे, बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही थी, बिजली और पानी तक की समस्या से लोग दोचार हो रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती अगर कोई हुई तो वो बेरोजगार नौजवानों के साथ हुई। बेरोजगार नौजवानों को लगातार सड़कों के ऊपर बैठना पड़ा, जहां तक कि बूट पॉलिश तक भी करने पड़े, लेकिन इस सरकार के कानों तक जो भी नहीं रहेंगी। स्कूलों की हालत खस्ता, एजुकेशन तालीम दैट हैड बीन जियोपार्डाइज्ड, द करियर्स ऑफ द स्टूडेंट्स वर जियोपार्डाइज्ड। हेल्थ सेक्टर की बुरी हालत है, कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे माहौल में यह लाजमी था कि सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले और जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम को बहाल किया जाए। हम मशकूर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने गुहार सुनी और इस संदर्भ में जो फैसला दिया है उसका हम वेलकम करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब रियासत का दर्जा बहाल हो और जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं और पार्लियामेंट के साथ ही इसके चुनाव होते हैं तो ना केवल स्टेट के जो पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बोझ पड़ेगा दो दो इलेक्शन करवाने से, उससे हम बच सकते हैं और जो एक एफर्ट लगेगी वो भी कम लगेगी। इसलिए हमारी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द मार्च और अप्रैल में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हों और लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिले। जो बहुत देर दराना मांग थी जम्मू कश्मीर के लोगों की और पैंथर्स पार्टी की ये कामयाबी है। मैं कहता हूँ पैंथर्स पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की कामयाबी है
कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल करने के लिए रास्ता साफ किया।